मैं मेरे बाल को 5 दिनों के बाद धोने वाली हूँ, तो बहुत ही खतरनाक हालत में है अभी। हेलो माय सुपर बेबीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेयर मास्क जो आप घर पे ही बना सकते हो फॉर सुपर थिक वॉल्यूमिनस एंड अमेजिंग हेयर। ये आपके बाल को बहुत ही मुलायम बनाएगी एंड बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चराइज भी करेगी एंड कीप इट नाइस एंड हेल्दी। तो ये हफ्ते में एक बार करोगे तो बहुत ही सही रहेगी। तो चलो चालू करते हैं। सो इन अ क्लीन बोल एड इन 4 टेबलस्पून्स ऑफ प्योर कोकोनट ऑयल। घर पे बना हुआ नारियल का तेल आप यूज़ करोगे तो सीरियसली बहुत ही सही रहेगी। आपको घर पे बनाना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। ये प्योर कोकोनट ऑयल है जो मेरी माँ ने बनाया हुआ है घर पे एंड आई हैव पर्सनली सीन बेटर रिजल्ट्स विथ होममेड कोकोनट ऑयल। तो उसमें डाल लीजिए 3 टेबलस्पून्स ऑफ ऑलिव ऑयल। अभी मेरे घर पे ऑलिव ऑयल तो नहीं बनती है तो ये मुझे मार्केट से खरीदना पड़ा है। फिर डाल लीजिए 10 ड्रॉप्स ऑफ कैरेट सीड ऑयल। कैरेट सीड ऑयल बहुत ही सही है आपके बालों के लिए, आपके स्कैल्प के लिए। आपके पास कैरेट सीड ऑयल नहीं है तो आप लैवेंडर ऑयल भी डाल सकते हो, रोजमेरी ऑयल भी। और फिर आप डाल लीजिए आपकी फेवरेट कंडीशनर। ये मेरी फेवरेट कंडीशनर है एंड सही में ये बहुत ही सही है। इट्स सो फ्रिकिन सुपर, बहुत ही सही है। आई लव दिस। ये मेरी सेकेंड बॉटल है। एनीवेज 1 टेबल स्पून कंडीशनर इसमें डाल लीजिए या आपकी फेवरेट हेयर मास्क भी, और अच्छी तरह से मिक्स कीजिए अपने उंगलियों के साथ। अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए। तो मैंने मेरे नॉट्स निकाला नहीं है क्योंकि इट्स वेरी टफ टू गेट रिड ऑफ माई नॉट्स वेन इट इज डैम्प और इवन ड्राई। तो मैंने थोड़ा सा बाल को गीला किया, फिर मैंने ये मास्क, ये तेल अप्लाई किया बालों को। अच्छी तरह से बालों में मैंने पहले अप्लाई किया, फिर मैंने स्कैल्प में अप्लाई किया और बहुत जेंटली मसाज किया। रिमेम्बर, मसाज इज द की। मसाज करने के बाद मैंने बालों को अच्छी तरह से लाइक बांध लिया या ऐसे यू नो गॉट इट टुगेदर, क्योंकि अभी मैं हीट देने वाली हूँ बालों को, विच इज़ सो फ्रिकिंग इम्पॉर्टेंट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जब आप यू नो पैम्पर कर रहे हो आपके बालों को या स्कैल्प को, हीट ट्रीटमेंट देना बहुत ही अच्छा होता है। तो पहले मैं एक हेयर कैप लगाने वाली हूँ, ये शावर कैप है, और उसके ऊपर मैं गरम गरम हीट कैप डालने वाली हूँ। आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी। तो ये बेसिकली एक हीट कैप है ब्रांड मेंटेन से। तो बेसिकली ये कैप मैं माइक्रोवेव में डालती हूँ 2 मिनट्स 43 सेकेंड्स के लिए या 2 मिनट के लिए, और फिर निकालती हूँ और सर पे डालती हूँ गरम गरम। ये एक्चुअली एक स्पेशल ट्रीटमेंट है आपके बालों के लिए, आपके स्कैल्प के लिए। It opens the cuticles so the products penetrate deeper into the hair shaft strands and seals them super well. It moistens it tremendously. It even nourishes and strengthens the scalp and the hair, boosting blood circulation on the scalp, thus helping in faster hair growth. The heat remains on the head for about 15 minutes and then I wash my hair off. I'ma make you pop like that. तो बाल को मैंने अच्छी तरह से धो लिया एक शैम्पू और कंडीशनर से जो बेसिकली पैराबेन और सल्फेट फ्री है। अभी मेरे बालों पे कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, ये कम्प्लीटली नेचुरल है और बहुत ही सॉफ्ट है। ये बहुत ही सही है इवन टू रिड्यूस डैंड्रफ, बहुत अच्छी तरह से हेयर फॉल को भी कम करती है और बहुत ही सही है। बाय बाय।